Good morning, dear students. This is Rishabh Jain. Welcome you all in today's session. In yesterday's class, we completed the preposition vocabulary. In yesterday's session, we completed the prepositions vocabulary. And today we will be discussing what actually the prepositions are, right? So today we are starting a new chapter, or you can say a new topic, the starting of a new chapter, explaining a new chapter, that is preposition, right? That is your chapter number 21. Given to you on page number 87. On page number 87, it is given to you, right? So we are discussing, we are going to start that chapter today. All right. So first of all, let's understand what is written here. The word in, on, under, behind, between, in front of are prepositions. देखिए, ये कुछ words यहाँ पे दे रखे हैं बेटा. इन्हीं words को हम क्या कहते हैं? इन्हीं words को हम prepositions कहते हैं. Now, what do they do? है ना, ये वर्ड्स एक्चुअली में करते क्या है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. वी यूज प्रीपोजिशंस टू टॉक अबाउट वेयर थिंग्स एनिमल्स पीपल आर, यानी कि चीजें कहाँ पे हैं, वेयर द थिंग्स आर, चीजें कहाँ पे हैं. जो हमारे को आंसर मिलता है किसका बेटा, वेयर का जब आंसर मिलता है तो वी कॉल द वर्ड्स, दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस बिकॉज दे आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, तो जब भी हमारे को ऐसे वर्ड्स जो किसका आंसर दे रहे होंगे, वेयर का आंसर दे रहे होंगे, किसका आंसर दे रहे होंगे बेटा, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर का. ठीक है, सो टू दोज वर्ड्स विल गिव द नेम प्रीपोजिशंस. हम उनको क्या नाम दे देंगे, प्रीपोजिशंस नाम दे देंगे. ठीक है, और हम इनको प्री पोजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी पोजिशन जो होती है वो नाउन और प्रोनाउन के प्री होती है. प्री मतलब पहले, प्री मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, पहले. तो पोजिशन जो है इनकी, इनकी पोजिशन जो है वो क्या है, प्री है, यानी कि पहले है. किसके पहले है, नाउन और प्रोनाउन के पहले है, इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं, प्रीपोजिशंस कह देते हैं, राइट. सो वंस अगेन लेट्स रिकॉल व्हाट आर प्रीपोजिशंस, व्हिच टेल्स अस वेयर द थिंग्स एनिमल्स एंड पीपल आर, जो हमें बताते हैं कि थिंग्स एनिमल्स और पीपल्स कहाँ है, मीन्स वेयर का आंसर हमारे को देते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि व्हाट बेसिकली द प्रीपोजिशंस आर, राइट. चलिए नेक्स्ट, come to this picture. I hope that you all are able to see this, right? The picture is visible to you. Okay, so let's check this image. I hope voice is clear. Yeah, chaliye start karte hain is wali image ko. See, there is a girl, right? She comes and says, where is your mother? What she says, where is your mother? ये आपकी क्या बोलती है कि आपकी मदर कहाँ है? So she is asking a question, where, right? Now this boy responds, she is in the kitchen. इस boy ने क्या respond किया? She is in the kitchen. इस boy ने क्या respond किया बेटा? She is in the kitchen. वो कहाँ पे है? Kitchen में है. So we are getting the answer of where. हमें किसका answer मिल रहा है बेटा? Where का answer मिल रहा है. Where का answer किसने दिया? इस word in ने दिया. In क्या कर रहा है? In बता रहा है कि mother जो है वो कहाँ है? Kitchen में है. Okay. Next question she asks, where is your pet? Where is your pet? Pet is what? Dog or cat, something like that. तो इन्होंने कहा, इस boy ने reply किया, he is under the टेबल. वो कहाँ है? अंडर दी टेबल, यानी कि वो टेबल के नीचे है. अगेन दिस वर्ड अंडर, दिस वर्ड इन, ये सब क्या कर रहा है बेटा? वेयर का आंसर दे रहा है. किसका आंसर दे रहा है? वेयर का आंसर दे रहा है कि वो चीजें कहाँ है. ठीक है, वेयर इज योर बैग, वेयर इज योर बैग. सो ही रेस्पॉन्डेड, इट इज ऑन द टेबल. बैग कहाँ पे है? टेबल के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि बैग यहाँ पे टेबल के ऊपर है, राइट. सो व्हाट हैपेंड, इन्होंने पहले मदर के बारे में पूछा, यानी किसी पर्सन के बारे में पूछा, फिर पेट यानी कि किसी एनिमल के बारे में पूछा, फिर किसी थिंग के बारे में पूछा, बैग इज अ थिंग, राइट. एंड इस बॉय ने क्या किया, एक बार इनका यूज करते हुए, एक बार अंडर का यूज करते हुए, और एक बार ऑन का यूज करते हुए इन्होंने आंसर्स दिए, इन्होंने रेस्पॉन्ड किया. किसका? वेयर के क्वेश्चन का. तो वेयर के क्वेश्चन को अगर आपको आंसर करना है, सो यू कैन यूज प्रीपोजिशंस. आप किसका यूज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, वहां पे आप प्रीपोजिशंस का यूज वहां पे इजीली कर सकते हैं. आप किसका यूज कर सकते हैं? प्रीपोजिशन का यूज वहां पे आप कर सकते हैं. आई होप दैट इज क्लियर, राइट. सो दिस इज व्हाट योर प्रीपोजिशंस इज, राइट. नाउ देयर आर डिफरेंट प्रीपोजिशंस, एंड ऑल द डिफरेंट प्रीपोजिशंस हैव डिफरेंट यूज, सो दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन टुडेज सेशन. वही हम आज के सेशन में स्टडी एंड डिस्कस करने वाले हैं, राइट. सो द फर्स्ट इन द लिस्ट वी आर हैविंग वन एग्जांपल, लैंप इज ऑन द टेबल. देखिए,
ये टेबल रखी हुई है बेटा यहाँ पे, दिस इज अ टेबल, ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर इन्होंने क्या रखा हुआ है, एक लैंप रखा हुआ है, और इसका यहाँ पे फिजिकल कॉन्टेक्ट है कि नहीं बेटा, यहाँ पे टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके, सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द प्रीपोजिशन ऑन. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट, अगर ये यहाँ पे टच नहीं हो रहा होता, लेट सपोज यहाँ पे कोई क्लॉक होती इस तरीके से, यहाँ पे वॉल पे कोई क्लॉक है, क्या उसके लिए भी ऑन का यूज करूंगा क्या, क्या मैं इस क्लॉक के लिए ऐसा लिख सकता हूँ द क्लॉक इज ऑन द टेबल? नो, आई कैन नॉट राइट दैट. क्यों नहीं लिख सकता बेटा? क्योंकि ये टेबल और ये क्लॉक आपस में फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं है, ये दोनों थोड़ा सा क्या हो रखे हैं, सेपरेट हो रखे हैं, दोनों थोड़ा सा अलग अलग है, राइट. बट अगर इस टेबल पे मैं कोई बॉल रख दू यहाँ पे, सो फॉर दैट आई कैन से द बॉल इज ऑन द टेबल. यहाँ कोई पेंसिल रख दी मैंने, ये कोई पेंसिल रख दी मैंने, तो फॉर दैट आई कैन से द पेंसिल इज ऑन द टेबल. अभी आपके सामने जो टेबल है या जब भी आपके सामने स्टूल वगैरह हो, जो भी आप जिस पे भी आपने रख रखा है, तो उसके ऊपर चीजें रखी हुई है कि नहीं रखी हुई है, तो यू कैन से माय पेंसिल इज ऑन द टेबल, माय बुक इज ऑन द टेबल, राइट, माय इरेजर इज ऑन द टेबल. इन दैट वे यू कैन यूज, क्यों, क्योंकि वो सब चीजें उस पर टच हो रही है, राइट. सो इन दिस वे यू कैन यूज द प्रीपोजिशन ऑन. नेक्स्ट आ जाते हैं, द बुक्स आर इन द बैग. तो बुक्स कहाँ पे है, बुक्स जो है, बुक्स कहाँ पे है, बुक्स बैग में है. द बुक्स आर इन द बैग. सो यू कैन सी हियर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बुक, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, वायलेट एंड सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट कलर बुक्स आर देयर, राइट. सो बुक्स आर इन द बैग. बुक्स कहाँ पे है, बैग के अंदर है. बुक्स कहाँ पे है, वेयर आर द बुक्स, बुक्स आर इन द बैग. So I can ask you, where is your pencil? So you can reply me, you can respond me. So my pencil is in the box. Where is your book? You can say, my book is in the bag. Right? So basically, जब कोई चीज किसी के अंदर होती है, तो उसके लिए क्या use करते हैं? In preposition का use किया जाता है. For that purpose, we use the preposition in. For that purpose, what, which preposition we use? We use in preposition. Right? हम कौन से preposition में use करते हैं बेटा? In preposition का use किया जाता है. चलिए. Just a second. Yes. Yeah. So third example we have here. The rabbit is behind the bush. See, dear student, these are not the examples from your book. You might be thinking ki hai na sir, ye to book mein de hi nahi rakha hai. So today what we are doing, students, we are just discussing prepositions, hai na? Aaj hum basic idea samajh rahe hain ki prepositions actually mein होते क्या है और काम में क्या आते हैं. आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन सिर्फ यही रहेगा, ठीक है. सो टुडे देयर इज नो नीड ऑफ बुक. आज बुक की कोई नीड नहीं है बेटा, यू कैन कीप इट असाइड, राइट, बिकॉज टुडे वी आर ओनली डिस्कसिंग व्हाट एक्चुअली द प्रीपोजिशंस आर, राइट. चलिए सेंटेंस नंबर 3 पे आ जाते हैं. द रैबिट इज बिहाइंड द बुश. देखिए बुश क्या होता है समझिए, आपने गार्डन में देखा होगा कई बार छोटी छोटी झाड़ियां होती है ऐसी, है ना, छोटी छोटी छोटे प्लांट कह दो उनको, छोटे छोटे झाड़ियां कह दो, छोटे छोटे पौधे कह दो, ठीक है, स्मॉल साइज के डिफरेंट डिफरेंट पौधे और झाड़ियां वहां पे होती हैं. तो रैबिट क्या है, रैबिट उनके पीछे है. रैबिट इज बिहाइंड. बिहाइंड मतलब क्या होता है, पीछे की साइड. मैंने आपको कल भी बताया था जब वोकैबुलरी जब मैं पढ़ा रहा था, व्हेन आई वाज टीचिंग यू वोकैबुलरी, आई टोल्ड यू जब व्हेन बिहाइंड वर्ड केम, आई टोल्ड यू टू लुक बैक. मैंने क्या कहा था आपको, पीछे देखिए कि पीछे क्या है आपके. I told you or not? Yes. तो यहाँ पे भी वापस वही वर्ड आ गया बेटा, behind. तो यहाँ पे इन bushes के पीछे क्या है? इन bushes के पीछे क्या है? एक rabbit है. ये rabbit जो है ये bushes के पीछे छिपा हुआ है या वो वहाँ पे play कर रहा है, ठीक है. So behind मतलब क्या होता है, किसी चीज के पीछे की तरफ होना. Okay. The milk bowl is between the cats. ये जो milk का bowl है बेटा यहाँ पे, ये क्या है? ये between the cats. यानी कि ये दोनों, इन दोनों cats के बीच में है. इधर भी एक कैट है और इधर भी एक कैट है, ठीक है. इन दोनों कैट्स के बीच में क्या है, ये मिल्क का बाउल यहाँ पे है. सो सिंपली यहाँ पे एक कैट इधर है, एक कैट इधर है और बीच में क्या है, मिल्क का बाउल रखा हुआ है. सो सिंपली मैंने आपको कल भी बताया था कि व्हेन अ थिंग, व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग इज बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, कोई एक चीज जब दो डिफरेंट चीजों के बीच में आ जाती है, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं बेटा, बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. कौन से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. सो व्हाट वुड बी द सेंटेंस, द मिल्क बाउल इज बिटवीन द कैट्स, क्योंकि मिल्क का बाउल जो है वो इन दोनों कैट्स के बीच में है, ठीक है. तो इस तरीके से द मिल्क बाउल इज बिटवीन द कैट्स, राइट. चलिए नेक्स्ट आप देखिए, द माउंटेन्स आर बिहाइंड द हाउस.
हमने अभी भी बिहाइंड का डिस्कशन किया था बेटा, बिहाइंड कब यूज होता है, जब कोई चीज किसी के पीछे होती है। तो ये जो माउंटेन्स हैं, ये जो माउंटेन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये यू कैन सी माउंटेन्स, वाइट स्नो माउंटेन्स यू कैन सी हियर। तो ये माउंटेन्स कहाँ है, ये इस हाउस के भी बिहाइंड है, यानी कि इसके पीछे की तरफ है। ये जो हाउस सॉरी माउंटेन्स है वो किसकी तरफ है, इन हाउस के पीछे की तरफ है, इस हाउस के पीछे की तरफ माउंटेन्स है। तो व्हाट वी कैन से, द माउंटेन्स आर बिहाइंड द हाउस। ठीक है, चलिए सिक्स नंबर पे देखिए क्या है, सेंटेंस नंबर सिक्स क्या है, द पार्क इज इन फ्रंट ऑफ हाउस। ये जो पार्क है बेटा, आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे कितना बड़ा गार्डन है, यहाँ पे पूरा का पूरा गार्डन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स और कुछ चिल्ड्रन प्ले भी कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे है, इन फ्रंट ऑफ हाउस, यानी कि घर के एकदम सामने है। आप में से भी काफी सारे बच्चों के घर के जस्ट सामने क्या होगा, गार्डन या एक पार्क होगा, प्लेग्राउंड टाइप होगा। तो व्हाट यू कैन से, द पार्क इज इन फ्रंट ऑफ अवर हाउस, द पार्क इज इन फ्रंट ऑफ अवर हाउस। हमारे घर के सामने क्या है, एक पार्क है। इन फ्रंट ऑफ मतलब क्या होता है बेटा, सामने की तरफ, राइट। सो दीज वर ऑल प्रीपोजिशंस व्हिच वी हैड टू डिस्कस टुडे, राइट। देयर आर सम मोर प्रीपोजिशंस एज वेल डियर स्टूडेंट्स, इट्स नॉट लाइक ओनली दिस मच प्रीपोजिशंस आर देयर, देयर आर सम मोर प्रीपोजिशंस एज वेल, बट टुडे वी आर डिस्कसिंग ओनली दीज मच। ठीक है, इन टुमारो सेशन और नेक्स्ट सेशन, वेन एवर आवर क्लास विल बी इन नेक्स्ट सेशन, वी विल बी डिस्कसिंग द प्रीपोजिशंस वन बाय वन, लाइक जैसा आपकी बुक में दे रखा है, इन द सेम मैनर वी विल बी डिस्कसिंग द प्रीपोजिशन। हम उसी तरीके से प्रीपोजिशन का डिस्कशन बेटा क्लास में करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग इट।